मेरा नाम रवि दुबे है, मैं प्रयागराज से का रहने वाला हूँ और यहाँ ग्रेटर नोएडा सूरजपुर में जॉब करता हूँ। मेरा लड़का 4 साल 8 महीने का है। इसको बार बार पेशाब आती थी, मैंने जांच कराया, कई जगह दिखाया भी तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट में देख के बताया कि इसके किडनी में दिक्कत है, पेशाब में रुकावट हो रही है। तो फिर मैंने डॉक्टर प्रदीप प्रकाश जी को दिखाया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे अच्छा आश्वासन दिया और मेरे लड़के का ऑपरेशन किया, किडनी का ऑपरेशन सफल रहा, सक्सेस रहा। अब मेरा लड़का अब ठीक है। मुझे यशोदा हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर प्रदीप प्रकाश जी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। हमारे पास मार्च 2023 में मास्टर प्रियांश नाम से 4.5 साल का एक बच्चा हमारे पास दिखलाने के लिए आया था, जिनको कि किडनी में रुकावट की वजह से इनकी किडनी का फंक्शन कम हो रहा था। वो यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, ये कॉन्जेनाइटल इलनेस है जो कि बचपन में किडनी की जो डेवलपमेंट होती है वो अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो किडनी की ट्यूब के साथ जो उसका जंक्शन होता है उसी लेवल पे रुकावट होती है। तो इस रुकावट को खोलने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको पाइलोप्लास्टी कहा जाता है। पाइलोप्लास्टी में ये रुकावट खोल के उसको फिर रिपेयर करके उसको जोड़ा जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर जगहों पे ये ऑपरेशन ओपन ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपिक विधि से, मतलब दूरबीन विधि से, ये छोटे छेदों से ये ऑपरेशन संभव है। हमने इनका ऑपरेशन अप्रैल 2022 में इनका लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी किया था। लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी वैसे तो हम रेगुलरली करते रहते हैं एडल्ट्स में, बस बच्चे में, छोटे बच्चे में ये ऑपरेशन बहुत ही चैलेंजिंग होता है क्योंकि पेट में जो स्पेस होता है, जो लैप्रोस्कोपी के लिए स्पेस चाहिए होता है, बहुत ही कम होता है। तो छोटे बच्चे में ये सर्जरी बहुत ही चैलेंजिंग होती है और इस उम्र के बच्चों में यूजुअली मोस्टली ये जो सर्जन हैं इसको ओपन ही पाइलोप्लास्टी करते हैं। बट हमने इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए इस बच्चे की लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी की थी और आज ऑपरेशन के 3 महीने के बाद जब ये बच्चा हमारे पास दिखाने आए हैं ऑपरेशन के बाद DTPA स्कैन करवा के, तो उस DTPA स्कैन में बिल्कुल DTPA स्कैन में जो किडनी की रुकावट होती है उसके बारे में पता चलता है। तो जो सर्जरी के पहले वो DTPA स्कैन था उसमें किडनी में रुकावट थी और अभी जो 3 महीने के बाद जो DTPA स्कैन कराया गया है इसमें ये किडनी की रुकावट बिल्कुल खुली हुई है। ये एक सर्जरी के सक्सेस का प्रूफ होता है और हमारी तरफ से ये DTPA स्कैन क्लियर होने के बाद ना अब ये हमारी तरफ से पेशेंट केयर से डिस्चार्ज है। अब ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। किडनी में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, किडनी का फंक्शन भी पहले से इम्प्रूव हुआ है इनका और इनकी सर्जरी कम्प्लीटली सक्सेसफुल रही है।